हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 10C करेंगे। उसमें है मल्टीप्लाई। अब देखो, यहाँ पे दोनों जगह पे डेसिमल वाले हैं, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ए दिया है। देखो, मल्टीप्लाई फर्स्ट ए 0.3 × 1.4। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई करो। तो पहले सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डेसिमल आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले ये है 0.3 × 1.4। क्या कर देना है, अभी डेसिमल निकाल के आपको, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन डिजिट है 0, 1 3 जा 3, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब 4 3 जा 12, अब 0 नहीं लगा क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं है। 4 3 जा 12, अब 4 के साथ कुछ भी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, 1 कैरी दी है, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। अब किसकी साइन यहाँ पे, प्लस की। अब ये है 2 का 2, 3 और 1 क्या आएगा 4, और 0 का क्या रहेगा 0। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पे अब कैसे लगाना है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ। पहले ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे, देखो। अब यहाँ से डेसिमल के बाद कितने, ये डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, और ये डेसिमल के बाद कितना है 1, तो 1 2, कितने नंबर हुए पॉइंट के बाद 1 2। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.42। कैसे करना है, डेसिमल के बाद के नंबर दोनों में, ये दोनों साइड देखना है डेसिमल के बाद किस हैं, 1 2, ऐसे नहीं 1 1 है, ऐसे नहीं देखना है, यहाँ से 1 2 है ना, 1 2, दोनों डेसिमल के बाद 1 1 है, तो 1 और 1 कितना आएगा 2। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2, क्या आएगा 1000। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगाना है। ओके, आया डेसिमल कैसे लगाना है आपको, जब ऐसे दोनों में आपको दिया हो तो कैसे डेसिमल लगाना है, तो पॉइंट के बाद 1 2, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है पीछे से 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.42। ऐसे ही देखो, नेक्स्ट है 3.6 है, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे जैसे हम नॉर्मल सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते वैसे ही। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर है, पहले क्या लगाना है आपको, 0, 2 6 जा 12, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 2 3 जा 6, और 1 क्या आएगा यहाँ पे 7। अब देखो, इसका 2 का टर्न हो गया, अब 7 7 के बाद कोई भी नंबर है नहीं है, तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसको, 7 6 जा 42, 4 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, अब 7 3 जा 21 21, के अंदर हमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है ना, ऊपर जो 4 कैरी हुई ना वो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21 21, में हमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की साइन आएगी। अब ये दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो, 0 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 5 और 2 कितना आएगा, 7 7 8 9। अब हमने लिख दिया यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। अब देखो, डेसिमल यहाँ पे 1 2 दोनों साइड, तो कितना होगा 1 2, तो यहाँ से 1 2, तो आंसर क्या आएगा, 9.72। आया समझ में कैसे डेसिमल लगाना है। पहले आप सिंपली क्या कर लो, उसका सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डेसिमल दोनों साइड देखना है 1 2, है ना, दोनों में 1 2, तो कितना आएगा, तो 2 नंबर पीछे से यहाँ से स्टार्ट करना है। आप जब आंसर हो तब 1 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 9.72। ऐसे यहाँ पे देखेंगे क्या है, 2 0 4 × 6 2। अब जब यहाँ पे लिखेंगे तब हम डेसिमल हटा के लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 0 लगाएंगे, एक नंबर है इसलिए, 6 4 जा 24, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो, 6 और 0 करेंगे ये तो क्या हो जाएगा, 0, बट यहाँ पे 2 कैरी है, तो यहाँ पे ये कैरी हमें यहाँ पे नीचे लिखनी है, 2 2 जा 4, अब 2 4 जा 8, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0, 2 2 जा 4, किसकी साइन यहाँ पे, प्लस की, यहाँ पे आएगा 8, ये है 4 4 5 6, यहाँ पे है 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 4। अब देखो, यहाँ पे पहले आंसर हम लिख लेंगे, 4 6 4 8,
यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कितने नंबर के बाद, वन टू और ये तीसरा है थ्री। देखो वन टू थ्री, कितने नंबर हुए थ्री, तो वन टू थ्री, तो यहाँ पे आएगा तो 4.648। देखो कितने हुए पॉइंट के बाद, आपको साथ में गिनना है, यहाँ से टू है और यहाँ से वन है, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आएगा इसमें पॉइंट। ऐसे ही नेक्स्ट दिया है 583 × 015, ये सब का हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल कर रहे हैं वैसे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वन टू है नंबर, तो पहले टू ज़ीरो, अब ये सब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ करेंगे ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो, इसके साथ भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब वन का है, उसके बाद एक नंबर बच रहा है, तो पहले आपको क्या लगा देना है ज़ीरो। वन थ्री जा थ्री, वन एट जा एट, वन फाइव जा फाइव, प्लस की साइन, अब क्या आया फाइव, फाइव के बाद कोई भी नंबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे ज़ीरो लगाएंगे, नहीं, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वन क्या हो जाएगी कैरी, फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी और वन कितना हो जाएगा 41, फोर क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, फाइव फाइव जा 25, 25 के अंदर हमें फोर ऐड करना है, तो कितना आएगा 29। अब ये सब का टोटल करेंगे, यहाँ पे फाइव थ्री और वन फोर, नाइन और एट 17, वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, फाइव और वन सिक्स सेवन एट, और यहाँ पे है ज़ीरो का क्या रहेगा ज़ीरो। अब पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 08745, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये है देखो यहाँ पे 5.83 है, तो उसके बाद कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर, कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे हो, यहाँ से पीछे से अब स्टार्ट करना है, वन टू थ्री फोर, तो आंसर क्या आएगा 0.8745। आया समझ में, आपको पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री फोर, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो ई वाला है, तो ये वाला आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, इसके जैसा ही है, सेम देखो है ना, तो ई वाला आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए करना है, ओके। अब देखो एक्सरसाइज 10C में नेक्स्ट दिया है मल्टीप्लाई 2A, आपको करने के लिए तो 0.4 × 2A, तो 4 × 02, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 लगाएंगे एक नंबर, इसीलिए 0 के साथ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब 2 4 जा 8 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0, ये है दोनों, तो 8, ये है 0 और ये है 0। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो देखो कितने हैं 1 2, है ना 1 2, देखो डेसिमल के बाद कितना है नंबर 1 2, दोनों में देखना है, अब दोनों साइड है ना, इसीलिए 1 2, तो ये है 0 0 8, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.08, तो प्रोडक्ट क्या आएगी 0.08। ऐसे बी वाला दिया है 1, आपको अब यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, लास्ट में हम लगा रहे डेसिमल, इसीलिए तो यहाँ पे 0, इसके साथ करेंगे ये भी 0, अब 6 2 जा 12, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, प्लस की साइन 2 7 और यहाँ पे क्या है 0, तो प्रोडक्ट क्या आएगी इसकी, देखो यहाँ पे 1 2, तो 1 2, तो 0.72, देखो 1 2 1 2, तो आंसर क्या आएगा इसका 0.72। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम सी वाला दिया है, देखो यहाँ पे 4.9 × 1.8, तो हम जैसे सिंपल लिख रहे हैं वैसे लिख देंगे, एक बार लिख दिया, अब देखो सी वाला है, हाँ ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन नंबर है तो 0, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 8 9 जा 72, अब 8 4 जा 32, 32 के अंदर हमें 7 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 7, तो कितना आएगा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, तो यहाँ पे कितना आएगा 39, प्लस की साइन, ये है 2, 9 और 9 कितना आता है 18, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी,
3 और 1 5 6 7 8। तो अब ये हमारे पास आया जो आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पॉइंट लिखेंगे इसका। तो क्या आएगा, देखो आंसर क्या है हमारा, 882। तो यहाँ से देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो क्या आएगा 1 2, तो आंसर इज 8.82। क्या आएगा आंसर, 8.82। अब नेक्स्ट देखो, डी वाला दिया है हमें, तो डी का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, 11 5 into 0 9। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो इसके साथ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 10 11 12 13, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर, 9 1 जा 9 और 1 10, किसकी साइन, प्लस की साइन है ना, 5 3 0 और 1 आया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कितना है, 1 2, तो प्रोडक्ट इज क्या हो जाएगी इसकी, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट क्या आएगा, 10.35। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो कैसे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2, दोनों साइड देखना है, 1 2, तो आपको यहाँ से पीछे से स्टार्ट करना है, 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10.35। ऐसे ही हमें 3A दिया है, तो 3A करेंगे हम। देखो ये क्या है, 07 in 123 into 123 दिया है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो उसके बाद 2 नंबर है, तो 1 और 2 0 लगा देना है आपको पहले, उसके बाद 1 7 जा 7, और 0 के साथ क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो देखो उसके बाद कितना नंबर बच रहा है, 1 नंबर बच रहा है, तो और आपको क्या लगाना है यहाँ पे, 0। 2 7 जा 14, 1 क्या हो जाएगी, कैरी, 2 into 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे कैरी है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है प्लस की साइन। अब 3 7 जा 21, और देखो इसके साथ करेंगे तो 0, बट 2 कैरी है तो यहाँ पे आएगा 1 4, और ये 2 6, 7 और 1 8, और यहाँ पे है 0। तो इसका आंसर अब देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो देखो ये है 0861, ये प्रोडक्ट है। इसमें देखेंगे 1 2 3, देखो डेसिमल के बाद कितना है नंबर, 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट इज 0.861। क्या आएगा, 0.861। अब नेक्स्ट दिया है देखो, 369 into 05, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 है नंबर तो 0, अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। अब 5 9 जा 45, 6 5 जा 30, 30 के अंदर हम 4 ऐड करेंगे 34, 5 3 जा 15, 16 17 18, प्लस की साइन 5 4 1 8, ये आया क्या आया, 1845। अब देखेंगे डेसिमल कैसे लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 है ना, 1 2 और 3, ये पॉइंट के बाद वाले देखने हैं हमें, 1 2 और ये 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर पहले, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे आएगा है ना, 3 यहाँ पे आ रहा है ना, इसीलिए तो क्या आएगा, ये आंसर इज 1.845। नेक्स्ट है 4A, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स है वो नहीं लिखना है, जिससे सिंपली मल्टीप्लाई करें वैसे ही करेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, 0 6 5 4 into 3 2 5, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बाद कितने, 1 2, तो पहले 1 और 2 क्या लगा देंगे, 0। अब 3 से यहाँ से 3 4 जा 12, 1 क्या हो जाएगी, कैरी। अब 3 5 जा 15, और ये कैरी वो आपको ऐड करनी है इसके अंदर, 3 5 जा 15, और ये 1 क्या हो जाएगा, 16, ये 1 क्या पे आएगी इसके ऊपर, कैरी। 3 6 जा 18, 18 के अंदर हमें कितना 1 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 19,
और ये वन है वो इसके ऊपर कैरी। अब थ्री इंटू ज़ीरो, तो मैंने बोला था कि ज़ीरो के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बट यहाँ पे वन क्या दी है, कैरी दिए, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अब थ्री का टर्न हो गया, अब टू का, अब टू के बाद कितने, वन, तो यहाँ पे पहले क्या लगा दो, वन ज़ीरो। अब टू फोर जा एट, अब टू फाइव जा टेन। देखो इसके ऊपर कैरी है बट ये थ्री की है, वो अभी आपको ये कोई भी कैरी ध्यान में नहीं लेनी है। अब कितना आया देखो, टू फाइव जा टेन, तो टेन और ये कैरी हमें लेनी नहीं है, तो यहाँ पे वन कैरी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट टू सिक्स जा ट्वेल्व, अब ये लेनी है क्योंकि इसके सेकंड वाले की है। टू सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और वन थर्टीन, वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो टू और ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और बट वन कैरी है तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। यस कैरी है तो लिखनी है। अब ये देखो फाइव का टर्न आया, उसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। फाइव फोर जा ट्वेंटी, टू क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अब ये कैरी नहीं लेनी क्योंकि ये इसकी थी, अब ये वाली ध्यान में लेनी हमें, ये टू वाली है वो। फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, इसके अंदर टू ऐड करेंगे ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, टू इसके ऊपर क्या हो जाएगी कैरी। फाइव सिक्स या थर्टी, थर्टी के अंदर हमें टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी टू, और थ्री यहाँ पे आएगा। अब देखो फाइव और ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो, बट यहाँ पे थ्री है वो क्या है कैरी, तो वो हमें यहाँ पे नीचे लिखनी है। अब ये सब का हम क्या करेंगे, प्लस ज़ीरो, एट प्लस सेवन कितना हो जाएगा फिफ्टीन, वन क्या आएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो टू और वन थ्री, थ्री के अंदर टू ऐड करेंगे फाइव, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टू यहाँ पे, वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब देखो ये क्या है, नाइन और वन टेन और ये वन इलेवन, वन क्या आएगी इसके ऊपर कैरी। वन और वन क्या आएगा टू। अब देखो ये जो भी आंसर आया पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, और प्रोडक्ट इक्वल क्या है, टू वन टू फाइव फाइव ज़ीरो। अब यहाँ से स्टार्ट करना है डेसिमल, कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो यहाँ से पॉइंट के बाद से देखना है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो अब यहाँ से देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, तो आंसर क्या आएगा, टू पॉइंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी। अब नेक्स्ट है फोर सेवन एट इंटू वन ज़ीरो फाइव नाइन, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो वन डिजिट के बाद कितने नंबर बच रहे, वन टू थ्री, तो पहले वन टू थ्री ज़ीरो लगा दिया। अब वन एट जा एट, वन सेवन जा सेवन, वन फोर जा फोर, अब ये ज़ीरो का है बट इसके बाद कितने, वन टू, तो वन और टू क्या लगा दिया, ज़ीरो। अब ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एट ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो इंटू सेवन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू फोर क्या आएगा यहाँ पे, ज़ीरो ही आएगा, है ना, सॉरी ये ज़ीरो इसके नीचे आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, फाइव, इसके बाद कितने नंबर है, वन नंबर है, पहले क्या लगा दे, ज़ीरो। फाइव एट जा फोर्टीन, फोर क्या हो जाएगी यहाँ पे कैरी। फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव के अंदर हमें फोर ऐड करना है, थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन, नाइन यहाँ पे, और थ्री क्या हो जाएगी इसके ऊपर एरी। फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी के अंदर थ्री ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी थ्री, क्या आएगा यहाँ पे ट्वेंटी थ्री। अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, नाइन का किसका है, उसके बाद कोई नंबर एक नहीं है, प्लस की साइन। एट नाइन जा सेवेंटी टू, सेवन क्या हो जाएगी यहाँ पे कैरी। सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, उसके अंदर सेवन ऐड करना है, सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन एंड सेवेंटी, ज़ीरो और सेवन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। अब नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स के अंदर सेवन ऐड करना है, थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री, तो यहाँ पे आएगा फोर्टी थ्री, प्लस की साइन। अब ये सब का हमें प्लस करना है, ज़ीरो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टू, यहाँ पे सब ज़ीरो है तो ज़ीरो, और यहाँ पे वन कैरी हो जाएगी, एट और वन नाइन,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 और 1 यहाँ पे कैरी, 7 और 1, 8, 9, 10, 1 क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी, 4 और 1, 5. तो अब जो भी आंसर आया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाना है. तो प्रोडक्ट इक्वल क्या है, ये देखो 506202 दिया हुआ है हमें यहाँ पे. तो यहाँ पे देखो पहले 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा 5.06202. क्या आएगा, कैसे आया, तो देखो कैसे लगाना है डेसिमल. तो यहाँ से ऊपर देखना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है पीछे से 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट. तो आपको जो मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर करवाया वो टेक्स्ट बुक में, और जो नोटबुक में करवाया है वो आगे नोटबुक के अंदर करना है. और 4C और D आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं, 4C एंड D है वो आगे ही आपको प्रैक्टिस के लिए करना है. ओके, थैंक यू.